अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको स्किन वाइटनिंग विद स्किन टाइटनिंग की क्रीम बनाना सिखाऊंगी। आपने एक चम्मच लेने हैं अलसी के बीज, ठीक है, और एक चम्मच आपने लेना है कॉर्न स्टार्च, एक चम्मच आपने लेना है चावलों का आटा, और आपने लेनी है एलोवेरा जेल। ये मैं एलोवेरा जेल इसमें निकालूंगी। सबसे पहले मैं एक कप पानी डालूंगी। इसको इसमें हम अलसी के बीज डालेंगे। इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद फिर ये जेल की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी और इसमें डालेंगे हम कॉर्न स्टार्च। इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे, इसको साथ साथ ही लाते जाना, इसलिए कि ये फिर आपका गुठलियाँ ना बने, इसलिए इसको साथ साथ आपने हिलाते रहना। इसको तब तक आपने पकाना है जब तक आपका ये लिक्विड तैयार ना हो जाए, गाढ़ा हो जाएगा। ये हमने अलसी के बीज का जेल बना लिया, अब ये हम इसका लिक्विड बना रहे हैं। इसी में हम अब गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसमें हम अब ये चावलों का आटा डाल देंगे एक चम्मच। चावलों का आटा कलर को वाइट करने में, पिगमेंटेशन खत्म करने में बहुत हेल्प देता है। ये देखिए, आपने तब तक इसको पकाना है जब तक ये लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए, अब हम इसमें एलोवेरा, जो मैंने एलोवेरा जेल निकाला था, अब हम ये एलोवेरा जेल इसमें इंक्लूड कर लेंगे। एक चम्मच ये है एलोवेरा जेल, भी आपको स्किन को टाइट भी करता है और आपकी छाइयों को ख़त्म भी करता है, कलर भी अच्छा करता है। अब हम इसमें उसका अलसी के बीज का जेल डाल देंगे। ये देखिए, ये इस पोजीशन पे आके आपने इसको छोड़ देना ठंडा होने तक। जब ठंडा होता है फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे। ये अब जेल तैयार हो गया इसका, ये अलसी के बीज का। अब हम इसको स्टेन करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया जेल, ये अलसी के बीज का जो हमने डाला है, इसको अब हम स्टेन करेंगे। ये देखें, ये हम अब इसको स्टेन कर लेंगे।
ये स्किन को बहुत टाइट करता है, और ये बहुत आपके लिए जिनके जुड़ियाँ रिंकल्स वगैरह पड़े हुए हैं उसको ख़त्म करेगा। अब हम इसको अच्छी तरह इसे निकाल लेंगे। ज़रा थिक होता है, आराम से निकलता है। अच्छी तरह आपने निकाल लेना, निकलता आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन आपने उसका जल सारा निकाल लेना। ये देखिए काफ़ी निकल रहा है। अब हम इसको जो हमने वो मिक्सचर उसका बनाया था ये डाल देंगे इसमें, चावलों का आटा और उसका हमने मिक्सचर बनाया था ये अब इसमें डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये आपकी बहुत अच्छी क्रीम बनेगी, स्किन टाइटनिंग के लिए भी और स्किन वाइट भी करेगी आपको, और स्किन को ग्लो भी देगी। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना। ये देखिए ये अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जेली सी बन गई। ये आप इसको किसी भी कंटेनर में अपने छोटे से जार में सेव करके रख लें और फ्रिज में रखें, और 8 दिन तक आप ये यूज़ कर लें। बस इतनी बनाएं कि आपकी 8 दिन में ये, बल्कि इसमें मैं विटामिन ई का स्किन का कैप्सूल भी डालूंगी। ये मैंने विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल दिया। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। चंद ड्रॉप्स आप आलमंड ऑयल के भी डाल सकती हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। अब आपने इसको किसी भी जार में भर के ये रख लेना फ्रिज में, और 8 दिन के लिए, 8 से 10 दिन आप ये यूज़ करें, आपको बहुत जल्द फ़र्क महसूस होगा। ये आप यूज़ करके मुझे कमेंट्स ज़रूर दें। आप कमेंट्स ज़रूर किया करें और बेल लाइक का बटन दबा दें, ताकि आप आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और आपको अच्छी अच्छी जो मैं मेरे नॉलेज में है, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें गाइड करती रहूं। अगर आपको किसी के स्किन के बारे में, हेयर के बारे में क्वेश्चन करना है तो आप कर सकती हैं, मैं आपको आंसर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।